Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering. में हमने बात किया था heat and temperature का. Heat and temperature से मैंने पहले मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं जी. इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 10 से 15 लेक्चर करा रखे हैं, स्पीड के करा रखे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के करा रखे हैं, लॉजिक गेट के करा रखे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है आपको. उसके बाद मैंने वर्क पावर एनर्जी का करा रखा है. तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ और वो सब वीडियो देखें. और कुछ लड़के ने कमेंट किया था सर MCQ इसका करा दीजिए. तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हर चैप्टर के एंड में मैं क्या करता हूँ, जो इसका MCQ है, जो इसका कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसके सामने ही करता हूँ. इसलिए आप जो भी देखें स्पीड एंड वेलोसिटी देखिए चैप्टर, उसमें मैंने बीच में भी कराया और एंड में भी मैंने क्या कर रखा है जी, MCQ करा कर रखा है. तो आप अगर कह रहे हो कि MCQ कराने की ज़रूरत है तो मुझे नहीं लगता आप इसी का जो क्वेश्चन बाकी रह जाता है आप उसी को अपने से करो और सॉल्व करो जी. मैं ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर ही देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बच गया आप उसको सॉल्व करो, पूरा सेट लगाओ जी. और आपको इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा और आपके क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. तो जो लड़के MCQ के लिए बोल रहे थे उनके लिए सही है जी. कुछ लड़के ये भी कह रहे थे सर इसका PDF प्रोवाइड कीजिए. तो मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो और उसी को क्या करो जी, आप रिविजन के लिए तौर पर ले लो. क्योंकि देखो मेरे पास अभी ये फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी. अकबर अभी तक अगर मैंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें. और इसके जो भी बेल बटन है और सेट रिमाइंडर का बटन है आप उसको कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि मैं नया यूट्यूबर हूँ तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है जी. कुछ बच्चों का ये भी कंप्लेन था. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे जी हीट एंड टेम्परेचर में. हीट एंड टेम्परेचर में हमने क्या किया था जी, हमने बोला था कितने तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरनहाइट बराबर होता है, हमने इसको कल सॉल्व किया था. उसके पहले हमने रोमर, केल्विन, फॉरनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और क्या जी, रूमर और रैंकिन में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था. हमने उस फॉर्मूला को पढ़ा था जी. हमने कहा था कि हमें क्या करना है, सब कुछ कंसेप्चुअली समझना है जी. अब बोला है किसी गोला का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे फॉरनहाइट, केल्विन और रूमर में क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है. तो चलिए हम देखते हैं जी कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखिए हमको तापमान दिया है जी सेंटीग्रेड, सी 60 डिग्री क्या है जी, सेंटीग्रेड है इसका मतलब है. तो हम क्या करेंगे जी, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, सी लिख लेंगे. चलिए हम यहाँ से हमको ये बात कंफर्म हो गया कि क्या है जी, हमको 60 डिग्री क्या है जी, सी है. अब चलिए अब देखिए हमको क्या करना है जी, फॉरनहाइट में इसको ले जाना है. किसमें लेना है, केल्विन में ले जाना है, रूमर में ले जाना है. अभी हम फॉरनहाइट में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे जी, केवल फॉरनहाइट में बात करेंगे. तो देखिए जब फॉरनहाइट में बात करेंगे यानी डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें ले जाना है जी, फॉरनहाइट में ले जाना है. तो डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला हमको याद है, सी माइनस जीरो बट्टा 100 बराबर क्या था, फॉरनहाइट में एफ माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32, ये याद होना चाहिए. इसमें क्या था, मैंने बोला था कि उसका नोटिफिकेशन नोटिस लिखिए, सी जैसे सेंटीग्रेड है सी लिखिए, माइनस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो होता है जी वाटर का, बट्टा बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 माइनस 0, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट यही सही है. फॉरनहाइट में माइनस मेल्टिंग पॉइंट बट्टा बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा सेंटीग्रेड और फॉरनहाइट में क्या आ गया, रिलेशन आ गया जी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए सी की वैल्यू क्या करते हैं, रख देते हैं सी बराबर क्या आ जाए 60. तो 0 बट्टा 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 100 नहीं 180, ठीक है जी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारा, हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया. यहाँ पे क्या है जी, केवल एफ है और वहीं एफ निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा जी, हमको क्या पता चलेगा, फॉरनहाइट पता चल जाएगा जी. चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 ये 9 2 से काट दिए, उसके बाद क्या होगा 6 9 12 12 9 108, तो 108 बराबर एफ माइनस 32, 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 140 बराबर क्या हो जाएगा फॉरनहाइट. तो फॉरनहाइट बोल रहा है कितना हो गया जी, फॉरनहाइट का वैल्यू क्या हो गया 140 हो गया जी. चलो देखो मिलाते हैं जी, फॉरनहाइट में क्या 140 है, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या है जी, सही है. तो पहले मैं भी बोला हूँ कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको अपने से करो जी. मैं इसमें देखिए इसमें सोल्यूशन लिखा हुआ, मैं फिर भी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने से खुद कर रहा हूँ. वैसे ही आप भी अपने से क्या करो जी, खुद बनाओ और क्या करो आप मेरे से मैच कराओ. अगर आप जानते हो जिस टॉपिक को, अगर जिस टॉपिक को नहीं जानते हो तो क्या करो उसको एक बार पढ़ लो वीडियो को, दूसरी बार पढ़ना तो क्या करना जी, रिवीजन के तौर पे क्या करना, वैसे ही करना. मैं सबको कर रहा हूँ कि
कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप किसी को लग रहा है कि मेरा स्पीड बहुत स्लो है, तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं जी, स्पीड करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे ही आजकल फैसिलिटी है, और आपको प्लेयर्स में भी फैसिलिटी है। अगर आप इसको लग रहा है कि फास्ट है, तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है ना जी। मैंने सब सिलेबस करा दिया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपको एक से दो ही चैप्टर बचे हैं जी। और मैंने इलेक्ट्रिकल के मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं, केवल इंडक्शन मोटर इसी फेज मैंने इसलिए नहीं कराया है क्योंकि वो शायद अभी मुझे जहां तक लग रहा है उससे क्वेश्चन क्या होगा, कम चांसेस है बनने के लिए। और उसका जो भी बनेगा थ्योरेटिकल बनेगा, तो थ्योरेटिकल तो मैं अभी पढ़ाने में टाइम है जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस पोर्शन को नहीं कराया हूँ। इससे पहले मैंने सेल के करा रखे हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी के मैंने करा रखे हैं, ट्रांसफार्मर के करा रखे हैं जी, ठीक है ना। तो आप वो सब भी लेक्चर जाके देख सकते हैं। लॉजिक गेट मैंने करा दिया। मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो ट्रेड थ्योरी की आपको है, इलेक्ट्रिशियन का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का है, वायरमैन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल रेडियो एंड टीवी के लिए मैं जो कोर्स करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें क्या है जी, वॉल्यूम वन भी है, वॉल्यूम टू भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो बुक है, मुझे जहां तक लग रहा है आपको दो ही मार्केट में तो दो ही बुक अवेलेबल है, या तो ये है या वो, तो वो या आपको कार का अवेलेबल है। तो देखिए मैं टीचर हूं, मैं नहीं कर सकता कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना जी। लेकिन आपका मैं कंसेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूँ। ये भी बुक आपको भी पता है कि मैं इससे पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि मैं इसी के लाइन बाई लाइन पढ़ाता हूँ। मैं आपको कंसेप्चुअली पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लिखी हुई है, मैं वो भी पढ़ाता हूँ। तो सेल एंड बैटरी मैंने पढ़ा दिया है जी आपको, मैंने इलेक्ट्रिसिटी करा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बहुत सारे आपको इंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो भी आपको प्रीवियस ईयर के आपको मैंने भी स्पार्क पब्लिकेशन का, उपकार पब्लिकेशन का जो था, मैंने आपको किताब रख के प्रीवियस में टेक्निकल का जो क्वेश्चन पूछा गया इलाहाबाद कोलकाता का, मैंने उसका क्वेश्चन कराया जी आपको। तो आप देख सकते हैं वहां से जाके। सेल एंड बैटरी का मैंने करा दिया है। मैंने मैग्नेटिज्म अभी पूरी तरह छोड़ रखा है जी, इंडक्शन मोटर मैंने छोड़ रखा है। बात की जाए तो डीसी मैंने कंप्लीट करा दिया है जी, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो मैंने क्या करा दिया है जी आपको, अल्टरनेटर करा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्या किया है, लॉजिक गेट करा दिया है, सेमीकंडक्टर करा दिया है जी, आप वहां से देख सकते हैं। डिजिटल सिस्टम मैंने करा रखा है, उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स से बात की जाए तो मेरे पास ट्रांजिस्टर बाकी है, और क्या है जी, ओपेम बाकी है, ऑसिलेटर बाकी है। तो मैं यहां तक बताना चाहूंगा कि मैंने ट्रेड में इलेक्ट्रिकल ग्रुप वाले को इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, रेडियो एंड टीवी, मैंने इसका सबका जी करा रखा है। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज मैं इस बुक को अभी भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं वो इंग्लिश मीडियम का उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक आपको किरण का भी आया है, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन बुक की मैं मानता हूँ कि क्या है, अवेलेबिलिटी नहीं है इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट को, तो प्लीज आप कोऑपरेट करें। मैं भी आपको भी पता है कि मैं क्या है, मैं तो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरा प्लेलिस्ट है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप जाइए अलग से देख लीजिए। कुछ बच्चों को मैं भी बता दूंगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है फन विथ जॉब। फन विथ जॉब में देखिए कुछ कुछ अच्छे वीडियो लगते हैं किसी और के भी, तो मैं उसको भी क्या कर सकता हूँ, लाइक कर देता हूँ या उसमें ऐड कर देता हूँ। तो आप उस फोल्डर उस प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिएगा, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने उसमें कर रखे हैं। बहुत सारे वीडियो में आप देख लीजिएगा कि दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट ने इस बुक को रिकमेंड किया है जी, या दूसरे बुक को रिकमेंड किया है, तो वो भी मैं वीडियो डाल लेता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो मेरा हर एक प्लेलिस्ट बहुत सोच समझ के बनाया गया है जी, मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, या कोई मेरा मार्केटिंग का कोई पर्पस नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा बस मेरा जो चैनल है, बहुत मैं उससे सेटिस्फाई हूँ और मैं आगे काम करता रहूंगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम कम बचा है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली सेट लगाइए जी, स्पीड इसी से बनेगा। आपको भी पता है स्पीड बनाने के लिए प्रैक्टिस सेट करना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए जी, ऑफलाइन से काम नहीं चलेगा। जो बच्चे सोच रहे होंगे, मैं कभी कभी के मैंने बिहार वाले एरिया में बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़के कमेंट किए थे कि क्या हुआ था सर कि मुझे टाइम की कमी पड़ गई थी। जानते हैं उनको दिक्कत ये हुआ था कि वो लोग सारे लड़के क्या करते हैं, ऑफलाइन जाकर कहीं लाइब्रेरी में किसी इंस्टीट्यूशन किसी संस्था में देते हैं, जो कि मेन प्रॉब्लम ये है कि उस ऑफलाइन उन लोग को देने की एकदम प्रैक्टिस है, स्पीड भी है। लेकिन ऑनलाइन देखिए आपको भी स्क्रीन देख के जो पढ़ना होता है ना, मान लीजिए देखिए ये स्क्रीन देख के हमको पढ़ने में क्या होती है, परेशानी होती है, और हमारा स्पीड और इफिशियंसी क्या होती है, घट जाती है। और उन लोगों के साथ यही हुआ, उनको भी पता है कि 10-10 क्वेश्चन छोड़ के आए थे, लोग तो कुछ रो भी रहे थे, कुछ लड़के तो मैंने एक आध विजिट भी किया था, तो मैंने देखा कि लड़के रो भी रहे थे ऐसा। तो और उसके बाद कुछ लड़कों का फीडबैक भी आया था, कमेंट भी किए थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, कि स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेश्चन छूट रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो जी, ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो। चलो जी।
तो इन सब बातों का ध्यान दीजिएगा। और मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को इतना फैलाएं, और आपको अच्छा लगे तो ही फैलाएं, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करें, ना अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे तो पता चलेगा ना, मुझे कमेंट कीजिए आपका, अगर निगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, सब कुछ कीजिए, लाइक डिसलाइक सब कीजिए। अगर आपको कमेंट में, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं जी, हमारे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीडबैक वेरी नेसेसरी है जी, हमारे लिए फीडबैक जरूरी है, क्योंकि मेरा इंप्रूवमेंट होगा, आपके लिए भी फीडबैक है, मैं आपको जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया था जी, इसमें फॉरेनहाइट निकाल लिया था, अब क्या था जी, सेंटीग्रेड को किसमें निकालना था, एक केल्विन में बचा, एक रोमन में बचा, चलिए केल्विन वाला। सेंटीग्रेड का क्या होता है जी, सी माइनस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो, बट्टा बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट जीरो। वैसे ही केल्विन में अब कन्वर्ट करना था, केल्विन माइनस क्या होता है जी इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में क्या होता है जी 273, और 373 क्या होता है जी बॉइलिंग पॉइंट होता है 273। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको सी की वैल्यू क्या है जी, सी की 60 डिग्री, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी की वैल्यू क्या रख दें, 60 डिग्री रख देते हैं, सेंटीग्रेड बट्टा 100 बराबर केल्विन माइनस 273 बट्टा 100, तो 100 100 कैंसिल, केल्विन के लिए क्या हो जाएगा जी, ये जाएगा 273 ऐड हो जाएगा, 60 प्लस 273, तो केल्विन का क्या आ गया 3 7 3 7 6 13, 333, तो केल्विन में क्या आ जाएगा 333 माना जाएगा, केल्विन में कितना आ जाएगा 333, यहाँ से देख सकते हैं। तो कितना सिंपल है बनाना, हमने क्या करना है कि रटना नहीं है जी, अगर जो चीज रट लिए उसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको दिक्कत होगा ही जी। चलिए अब बात कर रहे हैं रोमर में, तो रोमर में क्या होता है जी, चलिए सेंटीग्रेड, क्योंकि हमको सी से रोमर में जाना था, सी और रो वाला, तो सी माइनस जीरो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस जीरो मेल्टिंग पॉइंट बराबर रोमर में क्या है आर माइनस जीरो, जीरो इसमें होता है जी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 80 होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिला जी सी बट्टा 100 बराबर आर बट्टा 80, तो 20 से काटेंगे तो 5 4, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी बट्टा 5 बराबर आर बट्टा 4, सी की वैल्यू हमको क्या दिया है जी 60, तो सी की वैल्यू रख देते हैं 60, तो क्या आ जाएगा 12, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 48 रोमर आ जाएगा, तो 48 क्या आ जाएगा हमारा रोमर आ गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मेरा आंसर क्या है जी 48 रोमर है। तो देखिए हमने क्या बताया कि कोई भी चीज़ याद नहीं करना है जी, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं रट रखे हैं, आपको भी पता है कि मैं बिहार का हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, मैं इतना मानता हूँ जी, और नहीं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, और किसी बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि मैं आउट ऑफ बिहार हूँ और इस लड़के के तो बात अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जी, क्योंकि मैं आपको भी पता है कि मेरा लेवल आपको मेरे बोली से आपको ये पता चल जा रहा होगा कि मैं क्या क्वालिफाइड हूँ क्या नहीं हूँ, या मैं जिस लेवल तक पढ़ाया हूँ माध्यमिक जाके लेक्चर में आपको पता चल जाएगा क्या है क्वालिटी, क्वालिटी इज द बेस्ट। यहाँ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर तो आपको क्या है जी बिलियंस हैं, बिलियंस हैं, मिलियंस में भी हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है, अगले दिन आते हैं तो करेक्शन कराते हैं कि करे क्या ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ गलती हो गया, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कराया, इस बुक में मैंने करेक्शन करा रखे हैं, ये बुक प्लीज, ये बुक मेरा नहीं है वो, तो आपको उनकी प्रॉब्लम है कि वो अगर टाइपिंग में प्रॉब्लम होगा, कुछ टाइपिंग भी एरर हो सकता है, कुछ लॉजिकली भी एरर हो सकता है, तो मैं इसमें नहीं बता सकता क्या है, लेकिन अब देखिए अभी बुक वाले तो आपको सुधारने नहीं आएंगे, बुक वाले तो छाप दिए हैं, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे लेक्चर देखिए और समझिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इन्होंने लिख रखा है, क्या समझाना चाह रहा है, तो मैं उसी बात को समझाने के लिए आपको यहाँ पे उपलब्ध हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन, एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक क्या है जी, गलनांक क्या है जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करता है, उस वस्तु का सही तापमान क्या है जी। तो अब हमने लॉजिकल पढ़ा है, हमने लॉजिकल क्या पढ़ा है जी, हम किसी भी फॉर्मूला को जब बना रहे थे तो क्या पढ़ा रहे, पहले उसका नोटेशन मान लो एन नोटेशन लिख देते हैं, माइनस क्या जी मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। अब जिसने ये लड़का पढ़ा ही नहीं हो, जिसने ये पढ़ा नहीं होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी पढ़े तो आप लॉजिकल पढ़े जी। देखिए इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखा है जी, एन माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी 5 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट क्या रखा है इसमें, बॉइलिंग पॉइंट 59 95 रखा है, सॉरी 95 रखा है, माइनस मेल्टिंग पॉइंट 5 बराबर, अब ले लीजिए चलिए अब रियल सेंटीग्रेड में हम लिखते हैं जी सी माइनस जीरो बट्टा 100 माइनस 0। अब देखिए बोल रहा है कि उसने कितना मेजर किया है जी, कितना मेजर किया है उसने, तो बोल रहा है वो थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान
59 में मेजर करा, तो सही तापमान, तो सही तापमान तो मेरा ये है सी है, तो उसने मेजर क्या किया है, उसने मेजर किया 59। चलिए जी, तो 59 - 5 देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, बट्टा 90 बराबर सी बट्टा 100, 0 से 0 गया, ऊपर आ गया 95 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 54, तो ये 6, तो क्या आ जाएगा सी बराबर क्या आ जाएगा 60, यानी सी की वैल्यू क्या हो गई जी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सही तापमान होगा, सही क्या हो जाएगा मेजरमेंट होगा जी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसी को समझना है जी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इसको समझो, लॉजिकल समझो जी, जो भी बड़े बड़े चैनल हैं उनको फॉलो करते हो सही है, मानो भी क्योंकि उनके पास फैसिलिटी भी ज्यादा है, लेकिन मेरा कंपेयर करो उनके साथ, क्वालिटी में कंपेयर करो, लॉजिक में कंपेयर करो, आपको खुद पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाए तो उसे परम तापमान कहा जाता है, तथा 0 केल्विन तथा -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। बोला है तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाएगा तो उसे परम ताप कहा जाएगा, कहाँ पे जी, जब 0 केल्विन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, परम ताप बोलेंगे या शून्य ताप बोलेंगे जी, और वहीं केल्विन में क्या आ जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे उसको जी, तो यहाँ से क्या हो गया, मेरा परम शून्य ताप क्या है जी, -273 या 0 केल्विन, ये मेरा क्या है जी, परम शून्य ताप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट बोल रहा है 0 केल्विन या -273 संसार में पाया जाने वाला सबसे न्यूनतम तापमान है, जिस पर गैस की गतिज ऊर्जा और आयतन क्या माना जाता है, माना जाता है कि जो 0 केल्विन है जी, अब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको क्या बोला जाता है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम तापमान या शून्य तापमान जी, 0 डिग्री से 0 अब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है इंग्लिश में, इसका मतलब है 0 केल्विन पे और -273 में क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए मॉलिक्यूल है तो इसमें जो भी एटम है उसका क्या है जी, उसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, उसकी क्या है जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, उसके पास मोशन ही नहीं है, उसके पास मोशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये भी माना जाता है कि जब आप हीट बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस वॉल्यूम उस हीट पे यानी टेम्परेचर जब डाउन किया गया तो क्या हो गया, किसी भी गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया जी। आइडियली तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि 0 हो जाए, लेकिन ये माना गया है, ये कैलकुलेशन करने के लिए माना गया है कि हम क्या कर रहे हैं, कि एक आइडिया ले सके जी, और हमको इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक रहेगा तो ही आप आंसर लगा पाएगा। आपको भी पता है आजकल असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन और रीजनिंग में क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको भी पता है वो इसी बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार तो आपको साइलोक्स पूछा गया था, तो मैं जरूर कहूंगा साइलोक्स में आपको दो तरह के आता है, एक तो वेन डायग्राम से आप बनाते हो, एक विदाउट वेन डायग्राम, तो विदाउट वेन डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ दिन बाद आपको ग्रुप डी का मैं सारा जो आपको करेंट अफेयर है, जो आपको ए एल पी में हुआ था जी, फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में हुआ था, और ग्रुप डी का जो हुआ है मैं पूरा उसका करेंट अफेयर, या जो फिजिक्स साइंस में भी जो क्या था जी, फिजिक्स था, उसका न्यूमेरिकल जो मैं करा दूंगा उसको मैं जरूर ही कराऊंगा जी, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि उससे पक्का है जी, उससे आपको जो मैं बात करूंगा फिजिक्स और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है उसका पक्का है कि क्या है ना जी, 80% वहीं से आएगा जी, 80% वहीं से आएगा। तो हम क्यों ना उस चीज को करें, पहले उस चीज को करें उसके बाद ना साइड से करेंगे। तो मैं इस सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं वो जब भी डाल रहा हूँ तो आप उसको डेली बाय डेली देखते जाओ, और मैं पक्का है जी मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, सटीक तरीका है करंट अफेयर पढ़ने के लिए, किसके लिए, तो ALP CBT 2 के लिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के ताप मापे। देखिए जी, अब टेम्परेचर मापने के लिए मैंने टेम्परेचर के तो बहुत सारे पढ़े जी, कौन कौन से टेम्परेचर मेजरमेंट किए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए जी, तो बताया रहा है कि तापमान के निर्माण के लिए गैलियम ने किया था, तापमापी के लिए क्या किया था जी, तो थर्मामीटर का खींचने किया था जी, जो टेम्परेचर मापा जाता है उसको किया, तो गैलियम ने किया था। द्रव मापी होता है, एक डोक्टरी तापमापी होता है, एक गैस तापमापी होता है, एक प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी होता है, ताप युग्म तापमापी होता है, तो मैं ये सब थोड़े थोड़े पढ़ूंगा जी। चलिए आगे बढ़ रहा है द्रव तापमापी, आज बहुत सारे लड़के बोलने लगेंगे कि क्या आज सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, क्या बात है पता नहीं कि लग रहा है कि एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाए हैं आज, क्योंकि देखिए मैं जनरली किसी भी लेक्चर में ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, मैं थोड़ी तो पॉइंट बात करता हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बोल गया, तो इसलिए कुछ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि मेरा वीडियो क्या है, एडवर्टाइजमेंट मेरा वीडियो है, चलिए कोई बात नहीं है, आज मैं इसी को अब क्या करूंगा, मैंने यूट्यूब में फ्रंट पेज पे इसी को डालूंगा जी, इसी वीडियो को सब कुछ देखेगा। चलिए इससे भी कम से कम एटलीस्ट मेरा एडवर्टाइजमेंट तो होगा, पहले कोई भी दिखेगा तो ये इसी वीडियो को देखेगा जी, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सारे डिस्क्रिप्शन भी दे दिए हैं, अब जिसको भी कुछ भी डाउट हो आप मेरे कमेंट में करें, मैं कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन मेरा असिस्टेंट जो भी है वो करता है, तो प्लीज आप इसका ध्यान रखिएगा।
तो क्वेश्चन लॉजिकल पूछिएगा और फालतू की चीजें कोई मत पूछिएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन में लिया, क्योंकि देखिए फालतू क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि जो मेन कंटेंट होता है उस पर आदमी ध्यान नहीं दे पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रव ताप मापी का बात करेंगे। तो द्रव ताप मापी नाम से पता चला है क्या जी, लिक्विड को ही होगा। तो द्रव ताप मापी प्राय पारा और अल्कोहल होता है जी। पारा और क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री से नीचे के मापने वाले तापमापी में किया जाता है। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए अल्कोहल है जिसे पारा है जी, तो पारा क्या करता है, -40 के बाद क्या होता है, उसका क्या होता है, जो सॉलिड में बदल जाता है। तो यही दिक्कत आ जाता है। तो अब बोल रहा है कि पारा के तो दिक्कत हो गया भाई, वहां पे तो लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा, तो उसका टेम्परेचर माप मेजरमेंट जो करता है सही नहीं करता है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अल्कोहल का यूज करेंगे। इसीलिए बोल रहा है कि -40 डिग्री से नीचे के लिए क्या करते हैं, अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अल्कोहल का प्रयोग कहाँ करते हैं जी, अल्कोहल जो पैरामीटर होता है उसका मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, तो -40 से जब नीचे करना होता है तो करते हैं उसका। अब अल्कोहल बोल रहा है कि अल्कोहल -115 पर जम जाता है, उसके बाद क्या होगा, और पारा -40 पे जमता है और 357 पे उबलने लगता है जी, ठीक है। तो जहां जम जाएगा उसके बाद ही तो निकल होगा, दिक्कत होगा। तो देखिए पारा जब -39 पे जम रहा है, यानी -40 माने उसको, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो जमता नहीं है ना अल्कोहल, तो ये क्या होगा, ये -115 पे जमेगा ना, तब तक तो हम मेजर कर लेंगे ना जी, तो अल्कोहल वाले से मेजर करते हैं, यही लॉजिक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, पारे का तापमापी, चलिए डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर नाम से ही पता चला है कि आप समझ रहे होंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है जी, ये जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो वैज्ञानिक द्वारा मेजरमेंट किया जाता है फीवर के लिए, उसी का यूज किया जा रहा है। तो क्योंकि डॉक्टरी इसका निर्माण फॉरेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था जी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉरेनहाइट पैरामीटर कहा जाता है, जिसका ताप परास काफी कम रखा गया है, जो -35 डिग्री से 47 डिग्री तक अथवा 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 फॉरेनहाइट तक होता है। देखिए अब हमको जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो इतना ही रेंज में करना है, इसीलिए इसका क्या है जी, जो परास है वो कम रखा गया है। क्योंकि आप देखिए फीवर होगा तो आपको भी पता है कि 98 डिग्री क्या है जी, 98 डिग्री या 35 डिग्री 43 डिग्री रखा गया, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होता है, और इससे ज्यादा होगा तो आदमी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे ही चला जाएगा, इसलिए देखिए इसके रेंज में ही रहेगा। चलिए चूंकि इससे ज्वर फीवर मापते हैं, इसलिए इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसको हम फीवर मेजर करते हैं, इसलिए क्या है जी, फीवर मेजरमेंट क्या है जी, पैरामीटर है, क्या है, थर्मामीटर है। तो यहां से समझ सकते हैं, इसीलिए ज्वर मापी या ताप मापी बोला जा रहा है जी इसको, डॉक्टरी ताप मापी, यहां से समझ सकते हैं। अब देखिए इसका हमको क्या बोला जी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 98.4 फॉरन, देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट कीजिएगा फॉरन क्या हो जाएगा, 98.4 आएगा। अब इसी को मैं अभी बोला हूँ तो आपको अगर लॉजिकली आपको पता है तो आप क्या कीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरन में कन्वर्ट करके देखिए जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि लाल निशान बना होता है जो मानव का समान तापक्रम व्यक्त करता है, जो क्या हो जी लाल बना होता है, इसमें तापमान उसमें देखिएगा तीन कलर होता है जी, एक लाल होता है ठीक है ना जी, एक व्हाइट होता है ठीक है ना। आप उसको थर्मामीटर को देखने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा जी क्या मेजरमेंट होता है, कहां से कहां उसका रेंज होता है जी, परास का मतलब क्या होता है, रेंज होता है। अब आ रहा है गैस तापमापी। तो गैस तापमापी में क्या है जी, बोल रहा है गैस तापमापी में गैस रहता है, नाम से पता चला है। तो गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्या है जी, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, -200 सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करता है। तो यहां से समझ सकते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी, देखिए प्लेटिनम से नाम से पता चला कि प्लेटिनम होगा, तो बोल रहा है प्लेटिनम के तार का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ साथ समान दर से बढ़ता है जी। प्लेटिनम क्या है जी, मेरा मेटल है, तो मैं पढ़ा रखा है, आप सेमीकंडक्टर वीडियो में देखे होंगे कि मैंने कंडक्टर सेमीकंडक्टर में पढ़ाया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या है जी, कंडक्टर का तापमान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो वही बोला है विद्युत प्रतिरोध क्या होगा जी, बढ़ेगा। यह प्रतिरोध ताप गुणा पर कार्य करता है, क्या है प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। इसका परास क्या है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तापयुग तापमापी, तापमाप इस यह सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। इसका परास -200 से क्या है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सीबेक प्रभाव अब क्या होता है, सीबेक प्रभाव को हमको समझना पड़ेगा जी। देखिए इसमें बोला है, देखिए जब दो अलग अलग धातु तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते, देखिए एक धातु है और एक धातु है जी, ये क्या है आयरन का है, एक क्या है कॉपर का है, ये क्या है ठंडा है, यहाँ पे क्या रहा है हीट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वही बोला है दो अलग अलग धातुओं को जोड़कर एक बंद परिपथ, दो अलग अलग धातु है जी, ये आयरन है कॉपर है, इसको बंद परिपथ बनाए हैं जोड़ के। इस परिपथ की संधि को अलग अलग ताप पर रखते हैं जी। बोला है कि
संधि को क्या है, ये संधि, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन को, इस जंक्शन को क्या है, अलग अलग ताप पे रख रहे हैं, यानी इसको ठंडा रखेंगे, इसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग ताप हो जाएगा, तो परिपथ में एक धारा बहने लगती है। बोला है परिपथ में क्या होगा जी, एक धारा बहने लगी जिससे विद्युत धारा कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, सीबेक, सीबेक इफेक्ट कहते हैं जी, क्या कहते हैं, सीबेक इफेक्ट कहते हैं। और इसी से क्या किया जाता है जी, मेजरमेंट किया जाता है हमको टेम्परेचर का। तो यहां से समझ सकते हैं, अब है टोटल रेडिएशन पैरामीटर। देखिए अब टोटल विकिरण उत्ताप मापी, देखिए यहां से हमको पढ़ेंगे जी, ये थोड़ा सा आपको जो है लॉजिकली है इस को समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। यह ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, कौन बनाया था जी, तो स्टीफन ने एक नियम दिया था। स्टीफन ने कौन सा नियम दिया था, तो जो एनर्जी होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का पावर फोर का क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोल रहा है विकिरण ऊर्जा ई मात्रा उसके तापमान के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। बोल रहा है कि क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब क्या जी, प्रोपोर्शनल। अगर ई बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ई भी घटेगा, लेकिन किसके प्रोपोर्शनल है जी, तो पावर फोर के। अब ई प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या जाए, कॉन्स्टेंट लगेगा। जैसे हमने भी, जैसे ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है जी, आई प्रोपोर्शन भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है, भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यही जब भी प्रोपोर्शनलिटी हर जाकर बराबर लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, आर आई लिख देते हैं, इसी को तो बताते हैं भी बराबर आई आर, हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो यही है, ये क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को क्या बोला, बस स्टीफन ने डिस्कवरी किया था तो अपने नाम पर ही रख दिया, क्या रखा यार, स्टीफन कांस्टेंट रख दिया। सारा का सारा क्लास लॉजिक है जी, आप पढ़िए और समझिए। इस लेक्चर में मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो बनाया हूँ, इसलिए मैंने बोला है। नहीं तो आप शायद और लेक्चर देखिए, कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है, टू द पॉइंट डिस्कस होता है और आगे बढ़ता हूँ जी। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है इसलिए घनत्व घटता है जी। बोला है कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है जी, आयतन घटता है इसलिए इसका घनत्व घटता है जी। चलिए देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। बोला है तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, तो आयतन जब बढ़ेगा, आयतन जब बढ़ेगा, देखिए नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो नीचे वाला चीज बढ़ेगा तो ऊपर वाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोला कि तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ा इसलिए घनत्व क्या होता है, घटता है। तो सारा लॉजिकल है जी, हमको समझना है, यही से समझना है। चलिए आगे बोला है, इसमें क्या हमने छोटा तो कुछ नहीं ना, सच ठीक है। इस तापमापी को वस्तुओं को संपर्क में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे सूर्य का तापमान मापा जा सकता है, इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक ताप मापते हैं। देखिए अब देखिए एक नाम से ही पता चला है, टोटल रेडिएशन है जी, पूर्ण विकिरण है। तो विकिरण क्या होता है, विकिरण में कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती है, आपको ही पता है कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, माने चालन होता है, सम्मोहन होता है, विकिरण होता है। तो विकिरण में कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं होती, विकिरण किसी भी माध्यम के बिना भी जा सकता है। तो वही बोला है इस तापमापी को मापने के लिए ऐसा नहीं होता है कि उसके संपर्क में कॉन्टेक्ट में रखा जाएगा। जैसे आपको बुखार नापना है तो क्या होता है ना, आपको क्या करना होता है, आपको कॉन्टेक्ट में थर्मामीटर रखना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको कॉन्टेक्ट में रखना होगा जी। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि रेडिएशन से ही पता चल रहा है हमको। चलिए जी आगे बोल रहा है ऊष्मा का शून्य नियम। ठीक है थर्मोडायनेमिक्स में क्या जी नियम दिया गया था, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या गया था, पहला लॉ दे दिया गया था क्या जी, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ दे दिया गया था, दूसरा लॉ दे दिया गया था, लेकिन उस लॉ के अलावा पता चला कि बाद में कि एक और लॉ भी, इससे पहले एक लॉ भी देना चाहिए जी। तो उस लॉ को देने के लिए क्या किया गया, न्यू उस लॉ को देने के लिए क्या किया गया, एक जीरो लॉ, जीरो लॉ दिया गया, शून्य नियम दिया गया। उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या किया गया, उसमें गतिकी का शून्य नियम दिया गया, इसीलिए इसका नाम शून्य पड़ा जी। बोला है इस नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु का तापमान एक तापमान, ए का तापमान बी के तापमान के बराबर है, देखिए अब यहाँ पे बोला है कि ए किसके तापमान के बराबर है, तो बी के तापमान के बराबर है, ठीक है, ए किसके तापमान के बराबर है, तो बी के तापमान के बराबर है जी, और बी का तापमान सी के तापमान का, बी का तापमान किसके बराबर है, सी के तापमान के बराबर है, तो ए का तापमान सी के तापमान के बराबर हो, देखिए ये बी के बराबर है, बी क्या है, सी के बराबर, तो ए क्या हो जाएगा, सी के तापमान के बराबर हो जाएगा, एक सेंसीग्रेड और केल्विन स्केल के ताप का अंतर के बराबर होता है। बोला है सेल्सियस और केल्विन स्केल के तापमान का अंतर बराबर होता है, नोट में है जी, अगर सेल्सियस और केल्विन का फॉर्मूला देखे जो मैंने बताया था, तो वहां पे क्या लिखा गया था जी, देखिए वहां पे क्या लिखा गया, सी माइनस जीरो बट्टा सौ माइनस जीरो, केल्विन में क्या लिखा था, के माइनस जीरो बट्टा सौ माइनस जीरो, सॉरी 273 केल्विन में, यहाँ पे क्या होता था 373 माइनस 273, तो इसका अंतर कितना है जी, 100 है, इसका अंतर कितना है, 100 है। तो वही बोल रहा है कि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल में तापमान का अंतर क्या होता है, बराबर होता है जी।
हमें देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसका भी डिफरेंस क्या है, मल्टीपॉइंट बाउंडिंग का डिफरेंस 100 है, इसमें भी क्या है मल्टीपॉइंट बाउंडिंग का डिफरेंस क्या है 100 है। तो वही बोला है कि दोनों का अंतर कहीं भी चली जाइए लेकिन दोनों का अंतर क्या होगा जी, सेम होगा। तो वही अंतर क्या होता है, बराबर होता है जी। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। चलिए आगे वाले टॉपिक में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे जी, हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं खास तौर से बोल रहा हूँ कि जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज इस सब पोर्शन को आप केयरफुली पढ़िएगा जी। ये ऐसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक है लेकिन मैकेनिकल वालों को जो भी ब्रांचेज वाले हैं, पाइप फिटर वाले, तो उस सब जो हीट वाले हैं तो उनको ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा है। तो प्लीज़ वो लोग भी इस लेक्चर को देखेंगे। चलिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।